देश की राजधानी दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव 26 अप्रैल को होंगे। नामांकन की आखिरी तारीख आज यानी 18 अप्रैल है। आम आदमी पार्टी ने भी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आम आदमी की तरफ से मेयर पद के लिए महेश खेची को उम्मीदवार बनाया गया है और इसके अलावा डिप्टी मेयर के लिए रविंद्र भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी के दोनों उम्मीदवार सिविक सेंटर में आज दोपहर 12 बजे अपना नामांकन भरेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने हैं। इस दौरान दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली नगर निगम में इस साल मेयर का पद ऐसी उम्मीदवार के लिए रिजर्व है। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए 26 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक बुलाई गई है। फिलहाल दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर दोनों आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं। बता दें मौजूदा मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय और डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल थे, जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। मेयर पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर चुने गए 45 साल के महेश खिची देवनगर के वार्ड नंबर 84 से निगम पार्षद हैं। ये वार्ड करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में आता है। महेश खिची IAC आंदोलन के वक्त से पार्टी के साथ जुड़े हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी और छत्तीसगढ़ में पार्टी के लिए प्रचार किया है। महेश खिची ने दिल्ली के मोतीलाल नेहरू कॉलेज साउथ कैंपस से कॉमर्स की पढ़ाई की है। आम आदमी पार्टी के डिप्टी मेयर के उम्मीदवार 35 साल के रविंद्र भारद्वाज अमन बिहार से पार्षद हैं। रविंद्र दो बार पार्षद रह चुके हैं। रविंद्र अन्ना आंदोलन के दौरान पार्टी में शामिल हुए थे। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन और इग्नू से इसी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर रखी है।